हाँ राजस्थान में आप सत्ता में आना नहीं चाहते, हाँ आप रिफॉर्म्स के लिए होते हैं, ऐसा लगता है कि आपकी पार्टी दूसरी जो अराजकता पार्टी जो अराजकता फैला रही है उनको आप बढ़ावा, कौन आपकी पार्टी? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं आपकी तारीफ करता हूँ, सलाम करता हूँ उठ के आपको, नहीं सुन लीजिए, अब सुन लीजिए देख 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 देखिए, अब सुन लीजिए 2018 में कांग्रेस सत्ता मिली ना, आप बेहतर जानते हैं हमसे, ये मुख्यमंत्री के बेटे को हम हराए थे पार्लियामेंट चुनाव में, एक नई सीट जीते आप यहां से हमारी वजह से कहां भाई आप लोगों को इतना खौफ क्यों होता है हमारे से, मैं आपसे नहीं जो बोलते हैं आपको नहीं, आपसे आपको नहीं है, इसलिए आप सुन लीजिए, अच्छा देख लिए, अब आप देखते जाइए, आप फुल टॉस दे रहे हैं मुझे, फुल टॉस दे रहे हैं, अब हमारे चार भाग गए, चार दलाल निकले भाग गए ना, जमीर फरोश थे, सीमांचल की जनता को धोखा दिया, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के एमएलए ये जो भी भाग गए तो इन सब ने क्या कहा, लोकतंत्र का टेररिज्म हो रहा है, और मेरे चार को तुम खरीद लिए, वो क्या था, गांधीवाद था वो है, यही तो हम बोल रहे हैं, अरे सुनिए यही तो हम कह रहे हैं, ये आपकी मुनाफिकत है, हमसे मुनाफिकत करेंगे वहां बोलेंगे पॉलिटिकल टेररिज्म, बोलेंगे नहीं बीजेपी को रोकना था, अरे यार तुम करोगे तो अच्छा और मैं चुनाव लड़ूंगा तो बुरा हो जाता हूं, जो चार भागे ना आप देखना उनकी जमानत जब्त करवाएंगे, हम गए थे अभी सीमांचल को आधा घंटा चले हम तो दूसरे दिन वो बेटा को असेंबली में खड़े होकर बोलना पड़ा कि हम 200 करोड़ दे रहे हैं ब्रिज के लिए, ओवैसी आधा घंटा चला तो तुमको 200 करोड़ देना पड़ा, चुनाव आते आते हम बहुत चलेंगे सीमांचल में, बताएंगे उन लोगों को, आप रुक जाइए, हाँ हाँ बोलिए, हाँ आप संविधान की बात करते हैं और दो के मुसलमान की बात करते हैं, हिंदुस्तान की बात करते, तो भारत में माइनॉरिटीज एक वर्ड है जो आर्टिकल 29 और 30 में फंडामेंटल राइट के तौर पर इस्तेमाल किया गया है और जिसको केंद्र सरकार ने माना है कि माइनॉरिटीज में मुसलमान भी है, और दूसरा यह है कि आपको खुशी होगी मुझे भी खुशी है कि मुसलमान भारत का अव्वल दर्जे का शहरी है, और इस देश में हमारे वतन अजीज में सबसे कमजोर दलित आदिवासी और मुसलमान है, इस देश को अगर चाइना से मुकाबला करना है सुपर पावर बनना है तो जब तक आप 14% मुसलमान को उठाएंगे नहीं, अगर आप उसको मार्जिनलाइज करते रहेंगे दबाते रहेंगे उसके बच्चों को पढ़ाएंगे जेलों में डालेंगे झूठे इल्जाम में एनकाउंटर करते रहेंगे तो भारत ताकतवर कैसे बनेगा, इसीलिए हम लड़ रहे हैं, नहीं अब आप सवाल कर चुके, आप तालीम की बात कर रहे हैं लेकिन एनसीआरटी की किताबों में से जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, हाँ किताबों के अंदर तब्दील नहीं, अबुल कलाम आजाद मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह जी भारत के सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, ये तमाम IITs ये सब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इन तमाम की बुनियाद मौलाना आजाद ने डाली थी, और आज आप उनका ही नाम निकाल दिए हैं, तो ये ऐसा होता है ना जिसको जलन होती है हसद होता है कि अरे मेरा नाम नहीं आता, नहीं नाम निकाल दो उसका, भाई नाम निकालने से आपका छोटापन दिखता है, गांधी सुनिए गांधी को क्यों मारा गया, जो पढ़ाया जाता था कि गांधी को इसलिए मारा गया क्योंकि गांधी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम करते थे, आपने उसको निकाल दिया, दलित राइटर्स जो लोकतंत्र पे चैप्टर थे उसको आपने निकाल दिया, अब निकालने वालों को बड़ी शर्मिंदगी है कि हमारा तो कोई रोल था ही नहीं तो इसलिए समझते हैं कि निकाल दो, अबे निकाल देने से आप अपना छोटापन दिखा रहे हैं, भाई आप सब पढ़ाइए बच्चों को सब पढ़ने दीजिए उसके बाद उसको तय करने दीजिए, गलत है ये, हाँ अभी ये आखिरी सवाल है इसका जा रहे हैं नमाज पढ़ना हमको, हाँ पहला आखिरी नहीं अभी आखिरी है ये, मैं ओबीसी नहीं कराऊं कि
आप क्या समझ रहे हैं इसको मैं ले जाकर मेरे घर में ऊपर रख दूंगा कमरे में लिफाफे में बन के? ना 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 ना, इसको घोल के पीऊंगा फिर जबान से निकालूंगा जनता के सामने। हाँ, आप मुतमईन रहिए। हाँ, आप सुन लीजिए, सचिन पायलट हमारे दोस्त हैं, हमारा वो भी एमपीयूसी वक्त बने, हम भी उसी वक्त बने। अब सचिन पायलट क्या करेंगे मैं क्या जानता हूं भाई, मैं अरे दोस्त हैं, मगर वो अपना पॉलिटिकल फ्यूचर वो तय करेंगे, मैं अपना पॉलिटिकल पार्टी का काम कर रहा हूं, वो क्या करेंगे वो बताएंगे आपको, मेरे को नहीं मालूम। मुसलमान महंगी शादी करता है, किसके खिलाफ? मोदी जी खिलाफ जाके वहां पे हम तो चुनाव हैदराबाद में लड़के हराए ना, हमारे जो म्यूनिसिपल इलेक्शन हुआ था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मेरे पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में 4 घंटे फिरे, कितने 4 घंटे, अमित शाह आए चार मीनार के दामन में एक मंदिर है वहां पर आ गए, मैं आपको बता रहा हूं आप रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए, 4 घंटे मुख्यमंत्री फिरे, एक सीट नहीं जिता पाई बीजेपी को म्यूनिसिपल इलेक्शन में। अमित शाह साहब आए वो सीट पे हमारा एक हिंदू कॉरपोरेटर एमआईएम का तीसरी मर्तबा जीत गया, हम मुकाबला तो हम ही कर रहे हैं। मैंने तो यूएपीए के बिल में कांग्रेस तरह सपोर्ट नहीं किया ना, कांग्रेस ने सपोर्ट किया था अमित शाह के बिल को यूएपीए के, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि फॉरेन फंडिंग पॉलिटिकल पार्टीज को यह कि दोनों पे एक्शन लो बीजेपी पे कांग्रेस पे, तो दोनों ने मिलकर एक कानून बना लिया उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया। अब आप ये बताइए कि नुकसान किसका हो रहा है ज्यादा, किस समुदाय का हो रहा है, दलितों का हो रहा है और मुसलमानों का हो रहा है, किसको मारा जाता है गोश्त के नाम पर? जुनेद और नसीर को मारा जाता है, बल्कि मारा नहीं जिंदा जला दिया जाता है, आप बताइए किसका हो रहा है? ये रिपोर्ट क्या बोल रही है कि कौन सबसे नीचे है, कौन है भाई सत्ता में? तो आप रहे ना, मैं तो नहीं रहा, आप रहे, आप बताइए फिर क्या हो रहा है? बिल्कुल लड़ते हैं, लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे, लड़ते हैं लड़ेंगे, लड़ी तो रहे हैं, लड़ेंगे भाई, लड़ तो रहे हैं ना, पार्लियामेंट में खड़े के तो बोलते हैं, और हम जब पार्लियामेंट में भाषण देते हैं तो बीजेपी के 300 एमपी के सामने हम खुल के बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि झुक के बोलते। हाँ नहीं नहीं मैं समझ चुका हूं, वो आप देख रहे हैं कि क्या कैसा निकाला जाए टीआरपी कल, भैया थोड़ा हम जानते हैं, आपकी तरह अकलमंद नहीं है मगर थोड़ा थोड़ा जानते हैं। हाँ एक मिनट ठहरिए,